जिला कुल्लू में सायर उत्सव की धूम देखने को मिली। सायर उत्सव के चलते घर घर में पारंपरिक व्यंजनों को तैयार किया जा रहा है। सायर उत्सव, जिसे स्थानीय भाषा में शायरी साजा के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुल्लू जिला में सायर उत्सव की खूब धूम है। स्थानीय लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस त्योहार से एक दिन पहले घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और रात के समय अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं घर में पकाए व्यंजनों को प्रसाद के रूप में मेहमानों को बांटा जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि घाटी में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे सदस्य अपने से बड़ों को ध्रुव देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं महिलाएं अपने ससुराल और मायके में जाकर भी अपने माता पिता से मिलती हैं और उनका आशीर्वाद लेती है। तो आज के दिन जितने भी छोटे हैं अपने बुजुर्गों के पास जाके उन्हें जूब देके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो ये प्रेम का प्रतीक भी है। गिले शिकवे भुला के आज के दिन सभी एकजुट होके प्रेम मिलन का संदेश देते हैं। और आज के दिन हमारी जितनी भी बहनें हैं या उन्हें दिहाड़ी कहा जाता है वो अपने मायके चली जाती है, अपने रिश्तेदारों या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और आज के दिन खास तौर पर हमारी जो लोकल डिशेज है वो सारी बनाई जाती है। ये होती है कि जैसे कि बड़ा का आदर करो, बस ये जूप वगैरह देते हैं, फिर शाम को भी खाना पीना भी बनाते हैं। अब जो हमारी होती है अब दिहाड़ी बोले एक किस्म की बहने हुई बेटी हुई वो सब आती है आज घर में, फिर वो भी रूप देने आती है माता पिता को, भाई बहनों को, सबको एक मिलन मिलाप हो जाता है इससे। ये तो संक्रांत के दिन तो ऐसे बनाते नहीं जी, खाना पीना बनाते थोड़ा सा, फिर आज ये रूप वगैरह बोंडने सब भी। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।